तो ये क्वेश्चन हमारा साइन क्यूब थीटा अपॉन टेन थीटा माइनस साइन थीटा, हम लोग इसको साइन क्यूब थीटा को साइन क्यूब थीटा ही रखेंगे, और जो है टैन को हम लोग पुट कर सकते हैं साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, और साइन थीटा एज इट इज लिखेंगे, फॉर्मूला है साइन टैन थीटा का। एलसीएम निकालेंगे, तो एलसीएम निकालने के बाद में हम लोग को मिलेगा कि ऊपर आ जाएगा साइन क्यूब थीटा, और नीचे साइन थीटा कॉमन भी ले सकते हैं, तो साइन थीटा कॉमन लेने के बाद में बचेगा वन अपॉन कॉस थीटा, और उसको वन अपॉन कॉस थीटा कॉमन लेने के बाद में ये साइन थीटा कॉमन लेने के बाद में वन अपॉन कॉस थीटा और साइन का एलसीएम ले सकते हैं। तो बेसिकली लिख लेते हैं हम लोग वन अपॉन कॉस थीटा माइनस वन, ठीक है। तो इसको हम लोग इस तरीके से वन माइनस कॉस थीटा अपॉन कॉस थीटा, तो ये साइन थीटा ऊपर एक साइन थीटा कट जाएगा, बचेगा साइन स्क्वायर थीटा अपॉन वन माइनस कॉस थीटा नीचे, ठीक है, और ऊपर बच जाएगा एक एक जो वन अपॉन कॉस थीटा आ जाएगा, वन माइनस कॉस थीटा अपॉन कॉस थीटा, कॉस थीटा ऊपर चला जाएगा तो बच जाएगा कॉस थीटा ऊपर, ठीक है। तो इसको हम लोग ऐसे सॉल्व कर सकते हैं कि साइन थीटा को हम लोग वन माइनस कॉस स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं, क्योंकि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू वन होता है, वन माइनस कॉस थीटा इंटू कॉस थीटा डिवाइड बाई वन माइनस कॉस थीटा। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये वन स्क्वायर ही पकड़ सकते हैं, तो ए प्लस बी आइडेंटिटी होगा वन प्लस कॉस थीटा वन माइनस कॉस थीटा, वन प्लस कॉस थीटा वन माइनस कॉस थीटा, उसमें से वन माइनस कॉस थीटा इसके साथ कैंसिल हो जाएगा, बच जाएगा वन प्लस कॉस थीटा इंटू कॉस थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। तो ये हमारा हो जाएगा आंसर, हो जाएगा हमारा ए, ऑप्शन नंबर ए।